नमो सिद्धाणम नमो आयिरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामहाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि वक्त हर किसी का एक सा नहीं चलता। जो कभी अर्श पर होते हैं वो कभी फर्श पर होते हैं, और जो कभी फर्श पर होते हैं वो कभी अर्श पर भी होते हैं। व्यक्ति को अपना वक्त पहचानना आना चाहिए और उस वक्त के अनुसार उसको अपने योजनाओं में परिवर्तन भी लाना चाहिए। जो हट करके जीते हैं वो हट करके ही रह जाते हैं। हट करके, हटी बन करके कभी नहीं जीना चाहिए। आपका वक्त अच्छा है और आज आप अगर हट कर रहे हो तो दिन अच्छी बात है, तो आपका दिन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हट कर रहे हो और वक्त खराब है, आपकी हस्ती चली जाएगी, आपकी हस्ती चली जाएगी। इसलिए अपने वक्त को पहचानना सीखे। वक्त हर बार एक सा हो जरूरी नहीं है। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। जितने भी महान व्यक्तित्व के धनी हैं उन सभी ने ये दिन देखे हैं। कोई एक ऐसा व्यक्तित्व बताओ जिसने ये दिन ना देखे हो। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बताओ जिसने दिन ना देखे हो। सबसे कीमती धातु है सोना। सोने को भी कटना और पिसना और जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कब तक? अगर सोना बन के रहना है तो उसको निश्चित मानना कटना पिटना पड़ेगा। सोने को सोना बन के रहना है तो आज आपके पिताजी ने एक आपको सोने की चेन दे दी। सोना बड़ा खुश कि मैं गले पर हूँ। वो पिताजी ने अपनी बहू को दे दी, बहू ने पायल बना ली, वो सोना पैरों में है। लेकिन ऐसी नहीं पहुँची, कट पिट के गल के दूसरे फॉर्म में पहुँची। फिर उस बहू ने जब वो सास बन गई तो वो पायल अपने पोते को दे दी। उसने एक मुकुट बनवा लिया सोने का, तो वो पायल से मुकुट बन गया सोना। उसके साथ अब क्या क्या होगा? उसके साथ यही होगा, वक्त बदलता रहेगा। एक धातु की बात की है मैंने आपसे, ऐसे जीवन में भी देखना वक्त बदलता रहता है। राम जैसा व्यक्तित्व, राम जैसा व्यक्तित्व विश्व में उसके बाद वैसा कोई व्यक्तित्व ही नहीं हुआ जिस पर इतनी बेहद बड़ी चर्चा हुई हो। जैन हो, अजैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, सब ने की हो की है। लेकिन राम का भी देखो वक्त दौर कैसे बदला। दौर बदलता है, वक्त बदलता है, लेकिन उस बदलते वक्त में आपको क्या करना है, बात ये है। अगर आपने उस बदलते दौर में खुद को नहीं बदला, उस दौर के अनुरूप परिवर्तन नहीं लाए, ये निश्चित मान करके चलना जीवन में सुख शांति वहीं समाप्त हो जाएगी। कैसे? आप अपनी गाड़ी लेकर के सही रास्ते से चल रहे हो, पूरी रोड खाली है और एक ट्रक वाला वहां सामने से आ रहा है। आप 150 की स्पीड में हो, वो भी 150 की स्पीड में, वो रास्ता नहीं बदलना चाहता। आप क्या करोगे? मैं भी नहीं बदलूंगा रास्ता, ऐसे ही करोगे ना? जब आपने सोचा कि मैं भी नहीं बदलूंगा रास्ता, तो मनुष्य पर्याय की जगह किसी और पर्याय का रास्ता आ जाएगा। तुरंत अपनी गाड़ी को किनारे रोक लो, दूसरी तरफ पलटा लो, कुछ तो उपाय लगाओ। जो लोग हट कर लेते हैं, हट कर हट पूर्वक जीवन जीते हैं, उनका अच्छा वक्त भी खराब ही हो जाता है। आज की नीति कह रही है दो प्रकार के दिन आपके जीवन में आते हैं।
दो प्रकार के दिन, एक वो दिन जब वक्त आपके हक में हो और एक वो दिन जब वक्त आपके खिलाफ हो। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहना नहीं चाहिए और रोना नहीं चाहिए। जब वक्त आपके हक में हो तो बह मत जाना वक्त के साथ कि तुम नीचे किसी को देखो ही नहीं, और जब वक्त तुम्हारे खिलाफ हो तो ढह मत जाना, रोना मत कि वक्त तो मेरे खिलाफ है। रोना मत, ढह मत जाना, धीरज रखना। नदी का रास्ता बना रहता है, कभी सूखती है, कभी बाढ़ भी आती है। वक्त बदलता है, अपन अब आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं। जब वक्त आपके हक में हो, आज की नीति को बड़ा धीरज से अपने अंदर को सुधारने के लिए समझना। जब वक्त आपके हक में हो तब गुरूर मत करना, और जब वक्त तुम्हारे खिलाफ हो तो सब्र जरूर रखना। जब वक्त तुम्हारे हक में चल रहा हो तो खूब करो, पैसा कमाओ, व्यापार करो, बिजनेस करो, अपनी पहचान बनाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन गुरूर मत करना, क्योंकि गुरूर किया तो सब चला जाएगा, गुब्बारे की तरह सब चला जाएगा। पैकेट के अंदर पैक एक गुब्बारा, छोटा सा पिचका हुआ गुब्बारा, उसमें एक ने हवा भर दी, ऐसे ही होता है। हवा एक भरता है और जो हवा भरता है ना वो पीछे खड़ा होता है, और बाकी दुनिया देखती है ऊपर गया और निपटा। उस गुब्बारे में एक ने हवा भर दी और गुब्बारा हवा में उड़ता चला गया, उड़ता चला गया। थोड़ा सा एक कारण मिला, वहां फूटा, वापस जमीन में। सही है, गुब्बारा भी कितना नादान होता है, थोड़ी सी हवा में फूल जाता है और फिर अपनी औकात भूल जाता है। जब वक्त आपका हक में हो, जब वक्त आपके अनुसार चले, तब गुरूर मत करना कि मैं क्या हूँ। हस्ती और बस्ती सब निपट जाती है, हस्ती और बड़ी बड़ी बस्तियां सब मिट जाती हैं। गुरूर मत करना। पिछले 2-3 साल पुरानी घटना बताता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मॉल खोला, बहुत बड़ा मॉल खोला। जिस दिन इनॉग्रेशन थी उसके एक दिन पहले नगर निगम आकर के पूरा फ्रंट एलिवेशन तोड़ के चली गई। 10-20-25 करोड़ का मॉल था, इंदौर की बात है। अब आज मेरे ख्याल से वैसे बंद पड़ा हो या चल रहा हो पता नहीं। सोचो आप, हस्ती मिटा दी, खत्म काम। वक्त ने हस्ती मिटा दी, बस्ती मिटा दी। आप वक्त खराब, जब अच्छा चल रहा हो, वक्त हक में चल रहा हो तो वक्त को बचा के रखना। जिसी आप लोगों को पैसे की प्राप्ति होती या फिर कोई लाभ हो जाए, आप लोग एकदम से चौतरफा खर्च करते हो, कार ले लो, ज्वेलरी ले लो, ये अपन इटली घूमने जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे। वक्त तुम्हारे हक में है तो तुम वक्त को अपना बना के रखो ना। मैं भी जाता हूँ चौकों में जब आहार लेने के लिए, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें दिखाते हैं लोग कि जितना थाली में दिखाते, मैं उतना ही अगर ले लूँ तो बड़ी बात हो जाए। सही है ना? जितना आप लोग मुझे थाली में दिखाते हो भोजन में, उतना भी नहीं ले पाता हूँ, उसका 10%। ये 10% तब बना कितना है समझना। लेकिन फिर भी मुझे जितने में काम चल जाए वो रख लेता हूँ, बाकी चीज़ हटा देता हूँ। चौके में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो अभक्ष होती हो। चौके में श्रावक किसी भी वस्तु को अभक्ष नहीं बनाता, सब भक्ष मर्यादित शुद्ध सोले का प्योर आगम के अनुरूप, फिर भी महाराज क्यों हटा देते? अरे पुण्य उदय में आया है, ये वक्त अपने हक में आया है, उसको बचा के रखो, उसको बचा के रख लो, नहीं इसको खर्च नहीं करना, आगे काम आएगा। और वक्त जब तेरे खिलाफ हो
तो सब्र जरूर रखना। पहले तो गुरूर कभी मत करना, गुरूर करने वाला कोई नहीं बचा, चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे हिटलर हो, जितने भी हैं वक्त जिनके हक में रहा उन्होंने गुरूर किया है। सिर्फ इतिहास के पन्नों में नाम मिलेगा और कहीं नहीं। लेकिन जिन्होंने सब्र जरूर रखा है, वक्त खराब जब हो तब सब्र जरूर रखना, तब चढ़ाई मत करना। रावण का वक्त खराब था, रावण ने खराब वक्त में रावण से युद्ध किया, आज भी चल रहा है। जब वक्त खिलाफ हो तो सब्र रखना। राम ने सीधा जाकर के धनुष बाण लेकर के रावण की लंका में धावा नहीं बोल दिया, राम को भी पता था कि अभी मेरा वक्त खराब है। राम को पता था कि अभी मेरा वक्त खराब है, थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा मंदे चलो, वक्त खराब हो सब जरूर रखना। सवाल सबके संभाल के रखा हूं, जवाब वक्त पर दूंगा। सब्र रखो, सब्र रखो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला। वक्त जिसका है दुनिया उसकी है। एक ऐसा व्यक्ति बताना जिसकी लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई हो, बाद में उसी को उसी का समर्थन भी किया हो। दुनिया है, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शायद एक वोट से, एक सीट से वो हारे थे, लोगों ने कितनी हंसी उड़ाई थी, क्या हंसी उड़ाई थी। करते रह जाओ कविताएं, कविता करते रह जाओगे तो प्रधानमंत्री कब बन पाओगे, बहुत हंसी उड़ाई थी। अब दौर चल रहा है उसका, तुम कहीं के नहीं। सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपने सब्र नहीं रखा, कब्र में जाना पड़ेगा। अपने वक्त को पहचानो। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आपका वक्त अभी कैसा चल रहा है, कितने परसेंट अच्छा चल रहा है, कितने परसेंट खराब चल रहा है, अपने अपने आप में सोच लो। वो अच्छा चल रहा है तुम उसे खराब मान रहे हो क्या, कि खराब चल रहा है तुम उसे अच्छा मान रहे हो। रावण ने सीता का हरण करके ले गया और चक्ररत्न की प्राप्ति घर पे हुई। लोग कह रहे सीता को छोड़, रावण कहता देख कितनी लकी है, उसके आते ही चक्ररत्न आ गया, उसी चक्ररत्न से रावण की मृत्यु हो गई। वक्त उसका अच्छा नहीं था, वो अच्छा मान रहा था। आप लोग अपना अंदर एनालिसिस करें, अपने अंदर आपका वक्त कैसा चल रहा है, अच्छा कि खराब, कितने परसेंट में अच्छा, कितने परसेंट में खराब, कितने परसेंट में अच्छा और कितने परसेंट में खराब, बताओ कैसा चल रहा है, सोची खोजी। अगर खराब चल रहा है थोड़ा गाड़ी की गति को मंद करना, गाड़ी बंद मत करना। मैंने एक बात देखी है कि जब भी कोई किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, एक्सीडेंट होने के पहले वो एक दो बार झटके लगते हैं, मतलब भिड़ने के पहले वो दो बार भिड़ते भिड़ते बचता है, डायरेक्ट नहीं भिड़ता। अगर उन दो बारों में वो किनारे गाड़ी लगा दे तो बच सकता है। मैं तो यही करता था जब मैं पहले था, गाड़ी चलाता था, लगता था कि एक्सीडेंट से होते होते बचाऊं, गाड़ी किनारे लगाओ, 10 मिनट बैठो, रिफ्रेश हो, फिर गाड़ी चलाओ। वक्त अच्छा आएगा, सब्र की गोली खाओगे तो वक्त अच्छा आएगा। वक्त बदलते हैं और बदलते इस वक्त में, इस दौर में अपनी योजनाएं बदलें, लक्ष्य को ना बदलें। योजनाएं बदली जाती, लक्ष्य नहीं बदला जाता। जो लक्ष्य बदलते हैं वो सामान्य लोग होते हैं, जो योजनाएं बदलते हैं वो विशेष लोग होते हैं, वो विशेष लोग होते हैं। और योजनाएं भी उतनी ही बदली जाएं जितने में तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए। अगर आप योजनाएं ही बदलते रह जाओगे तो लक्ष्य पूरा कब करोगे, लक्ष्य पूरा कब करोगे। योजनाएं, वक्त अच्छा लाना है तो योजनाएं अच्छी लाएं। वक्त खराब बनाए रखना है
तो योजनाओं में कोई परिवर्तन ना करें, उसी योजना के साथ जीते रहे, खेल खत्म। देखो आप जब क्रिकेट का मैच, ऐसा भी वक्त आता है कि अच्छा खिलाड़ी खड़ा रहता है, जो 25 बॉल में 100 रन बनाने की ताकत रखता है वो 25 बॉल में 50 बना के रखता है। क्यों? अभी टिकने की जरूरत है, अभी टिकने की जरूरत है, टिकना सीखें। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा, चिंता नहीं करना, कभी खिलाफ था तो हक में भी आएगा। सर्दी हो जाती तो आप लोग दवाई खा लेते हो? नहीं खाते? सर्दी हो गई दवाई खा लेते हो, खटाई नहीं खाते हो? कोई बोले नहीं मैं तो रोज दही खाता था, रोज दही खाऊंगा, तुम्हारे कहने से क्या होगा भैया? तो कब्र में जाओगे, सब्र नहीं रखोगे। तो एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब सर्दी एवं खांसी हो गई है, ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने उससे कहा क्या क्या खाते हो? उसने बताया दाल रोटी सब्जी दही मीठा नमकीन। बोले अभी दही नहीं खाना, और दवाई लिख करके दे दी। 15 दिन बाद वो गया, डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो असर कर ही नहीं रही। बोले क्यों, क्या क्या चल रहा है? बोले दही तो खा ही रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा परहेज तो करो। बोले नहीं नहीं परहेज तो मैं नहीं करूँगा। अगले डॉक्टर के पास पहुँचता है, अगले डॉक्टर से बताता है कि मैं दवाई लेकर के आया हूँ लेकिन दही नहीं छोड़ पाऊँगा। डॉक्टर ने कहा भैया दही खाने के बहुत फायदे हैं और बीमारी में तो ज़्यादा है। खुश हो गए, बोले डॉक्टर साहब क्या क्या? बोले बुढ़ापा नहीं देखोगे, जवानी में मर जाओगे, कुत्ता नहीं काटेगा क्योंकि लकड़ी लेके चलोगे, और घर में चोर नहीं आए क्योंकि रात भर तुम खांसते ही रहोगे। उसको समझ में आ गया है कि वक्त खराब चल रहा है, सब्र रखो। उसको मालूम चल गया, उसने वक्त बदल दिया, उसने उस वक्त में अपने आप को बदल दिया, आज देखो स्वस्थ हो गया। योजनाएं बदलना है, लक्ष्य नहीं बदलना। दही छोड़ना नहीं है, कुछ दिन के लिए छोड़ना है। योजनाओं में परिवर्तन करें, युद्ध भी जीतेंगे, खेल जिंदगी का खेल भी जीतेंगे और कर्मों का युद्ध भी जीतेंगे। बुरा वक्त आने पर बुरा ना बने, बुरा वक्त आने पर आप बुरा ना बने, आप बुरा ना बने, अच्छे बने रहने का प्रयास करें, क्योंकि वक्त तो अच्छा बुरा आएगा। अब आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है। बताने का काम मेरा और बचने का काम आपका। वक्त बुरा आएगा, वक्त अच्छा आएगा। जब अच्छा आए तो गुरूर मत करना, और जब बुरा आए तो सब्र जरूर रखना। जिसने सब्र रखा है वही एक दिन टॉप पर पहुंचा है। वक्त बुरा आए अंदर मत लेके जाना, बाहर के बाहर छोड़ देना। कोई अगर मुझसे रास्ते में कहता है कि तो नंगा जा रहा है, अगर कोई मुझसे बाहर रोड में कहता है कि तो नंगा जा रहा है, कह लेने तो किसी कहने से क्या होता है, उसके शब्द उसकी जबान। और गलत क्या कह रहा है, बिना कपड़े के तो हूं। और अगर कोई कह दे आपके लिए अपशब्द तो भी चिंता नहीं करना, शब्द उसके कर्म उसका, भुगतेगा भी वो ही। अपन क्यों चिंता करें, जवाब देकर के अपना वक्त खराब ना करें, अपन अपना काम करके अपना वक्त बनाए, सब्र के साथ जीवन जीना। जब वक्त खराब हो शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की